राजस्थान कैबिनेट मिनिस्टर सालेह मोहम्मद के पिता गाजी फकीर का इंतकाल हो गया है। वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। जोधपुर के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन पर सीएम गहलोत ने ट्वीट करके गहरा शोक भी जताया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह 11 बजे गाजी फकीर के पैतृक गांव झाबरा में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। देश आजाद होने के बाद से ही जैसलमेर और बाड़मेर में उनके परिवार का राजनीति में बड़ा दबदबा रहा है। गाजी फकीर का जैसलमेर में काफी दबदबा था। परिवार के ज्यादातर सदस्य राजनीति से जुड़े हैं। एक बेटा गहलोत सरकार में मंत्री तो दूसरा जैसलमेर का जिला प्रमुख है। गाजी फकीर को सरहद का सुल्तान भी कहा जाता है। जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर भागू का गांव से गाजी फकीर का नाता था। ये कहना भी बड़ी बात नहीं होगी कि जैसलमेर और बाड़मेर की राजनीति गाजी फकीर के इर्द गिर्द ही घूमती है। आपको बता दें कि जैसलमेर के रहने वाले गाजी फकीर सिंधी मुस्लिम धर्मगुरु थे। सिंधी मुस्लिम समाज में उनकी खास पहचान भी थी। उनके जाने से जैसलमेर जिले और मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर है। यहाँ लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहे हैं।